ऐसा लगता है शायर ने इस जगह को देख कर ही वो शेर कहा, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन में से रास्ते बना लिए। वैसे तो हम लोग यहाँ पर आए थे माल्टो को अपने हाथों से तोड़कर खाने के लिए, लेकिन जनवरी में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है तो माल्टे जो है वो अब उस तरह यहाँ पे नहीं है। तो चलें, मौका मिला मैंने कहा कि ये साइट डिस्कवर की जाए और इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात दी जाए। ये जो साइट है ये बादलपुर नाम की जगह है जो कि इस्लामाबाद से तकरीबन समझ लें आपका कोई 15-1 किलोमीटर के ट्रैवल डिस्टेंस पर है और बहुत ही कदीम साइट है, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है। बुद्धिस्ट के हवाले से ये एक इंतहाई अहम साइट है। ये जो स्टूपा बिहाइंड द सीन आप देख रहे हैं ये, और बड़े मज़े की बात यह है कि यहाँ से खुदाई के दौरान किसी ज़माने में जो है वो एक वाटर प्योरीफायर भी मिला था। इसका मतलब ये है कि उस ज़माने में जो लोग थे वो यहाँ पर पानी को साफ़ करने का तरीका भी जानते थे। और सुना है मैंने टैक्सिला म्यूज़ियम के अंदर वो डिस्पेंसर या कंडेंसर रखा हुआ है, कोशिश करूँगा इसमें तस्वीर भी शायद डाल दूँ। तो ये वैसे एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। अच्छा, यहाँ पे किसी ज़माने में जो है वो बुद्धा की तस्वीरें और मुजस्मे भी दरियाफ्त हुए थे, तो ये भी एक बड़ी डिफरेंट किस्म की स्टोरी है कि अगर यहाँ से मुजस्मे और पेंटिंग्स अगर दरियाफ्त हुई तो यकीनी तौर पे वो लोग उस ज़माने में भी तस्वीरें और स्केचिंग बनाना जानते होंगे, जो बड़ी हैरत की बात है। अब ये जो स्तूपा आप देख रहे हैं ये टैक्सिला की 18 मुख्तलिफ और इंतहाई कदीम साइट्स में से एक स्तूपा है। वैसे तो यहाँ पर हम माल्टो के बागात के लिए आए थे कि वहाँ से हम माल्टे तोड़ेंगे और खुद भी खाएंगे और घर भी लेके जाएंगे, लेकिन पिछले दिनों काफ़ी बारिशें हुई हैं तो उस चक्कर में जो है वो माल्टे दरख्तों से जो है वो गायब हो चुके हैं। बहरहाल ये साइट हमें नज़र आ गई तो हमने कहा इसको भी डिस्कवर करें। काफ़ी अननोन सी साइट है, नोन साइट है लेकिन अननोन जगह पर है। मेन रोड के ऊपर है, बिल्कुल ओपन साइट है, आती केपीके में। इसका जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो इस्लामाबाद से ऑलमोस्ट कोई 15 किलोमीटर के टाइम डिस्टेंस के ऊपर ये मौजूद है। बिल्कुल ओपन साइट है और एक इंतहाई शानदार और हैवी ड्यूटी किस्म का ये स्टूपा है जिसकी जो है वो, और ये चौकोर स्टूपा हुआ करता था किसी ज़माने में। अब तो काफ़ी जो है वो इसमें टूट फूट हो गई है। इस जगह को वैसे यूनेस्को ने जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मामलात हैं उनमें तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने बिल्कुल ही इस जगह को लापरवाही की इंतहाओं तक बेयारों मददगार छोड़ा हुआ है। अब ये जो जगह नज़र आ रही है ये इस स्टूपे की रैंप है और इसी तरह का एक स्टूपा जो है वो शाला दत्ता की गारों से ऊपर बन फकीरा स्टूपा मौजूद है, उसी तरह की ये मिलती जुलती चीज़ है। बहरहाल इसका जो, इसकी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 70 फुट है और जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले हैं, जो सर्वेयर हैं या जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो बताते हैं कि इस स्टूपा के ऊपर किसी ज़माने में छतरी हुआ करती थी, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो ये बताता है कि इसके ऊपर एक छतरी होती थी। बहरहाल अब छतरी तो गायब हो गई है यकीनी तौर पे क्योंकि केयर नहीं थी और बहुत बड़ी जगह है, दिखने में छोटी है। इसके साथ कुछ यहाँ पे भी इसके असरात हैं, बाकी हैं,
आसपास। अच्छा, मज़े की बात है कि आसपास जो है वो सारी आबादी है, आबादी के दरमियान में ये जगह मौजूद है। लोगों की खेती बाड़ी भी है सराउंडिंग में, और बाकायदा जो है वो मैं देख रहा हूँ कि गंदम के और सरसों की खेती बाड़ी यहाँ पर हो रही है बड़े ज़ोरों शोर से। बहुत अच्छी जगह है, बिल्कुल काम पुरसकून, बहुत ही काम और पुरसकून। और इसके बारे में क्या बताऊँ, ये जो स्टूपा है इसके कुछ हिस्सों की खुदाई हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे हिस्सों की खुदाई जानबूझकर के नहीं की गई। और हैरत अंगेज़ तौर पे इस जगह से किसी ज़माने में, यानी कि दूसरी या तीसरी सदी ईसवी का ये सारा का सारा स्ट्रक्चर है, और किसी ज़माने में यानी कि जन सर जॉन हुबर्ट मार्शल ने जब यहाँ पर खुदाई की थी 1839 में, तो मुकम्मल एक्सक्लूसिव खुदाई नहीं कर सके थे, छोड़ दी इस जगह को। यहाँ से कोई 3 इंच के करीब जो है वो एक चाबी भी बरामद हुई थी, बहुत बड़ी चाबी थी। अब उसके क्या मकसद था उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई थी और काफ़ी सारे सोने चांदी और तांबे के सिक्के यहाँ से दरियाफ्त हुए थे, मिले थे। मैं इस वक्त उस साइट के बिल्कुल दरमियान मौजूद हूँ, बादलपुर की साइट के मिड में, और काफ़ी कुछ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बिल्कुल ओपन साइट पड़ी हुई है, कोई इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है। हर तरह से जो है वो आप हर जगह से इस जगह को एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में और बता दूं कि 2005 में इसकी दोबारा खुदाई हुई, जो कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के शोबे आर्कियोलॉजी ने की, लेकिन उन्होंने भी एक ख़ास हद तक आकर के यहाँ पे खुदाई रोक दी, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो वहीं की वहीं पर रह गईं। अल्लाह जाने यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है जो कि मुकम्मल तौर पे डिस्कवरी नहीं हो सकी। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जो प्रॉपर, अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, दूसरी और पांचवी सदी ईस्वी के दरमियान में ये तामीर हुआ था। इसकी जो तामीर है इस जगह की, इस मॉन्टसरी की, इस स्टूपे की, ये दूसरी और तीसरी सदी ईस्वी में इसकी तामीर हुई, और उस तामीर के बाद फिर डेफिनेटली बहुत सारे मामलात हुए। लेकिन खैर, हमने तो यहाँ वैसे ही एक चक्कर लगाया था, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये जगह शेयर की जाए। बहुत अच्छी जगह है, और काफ़ी सारी जो है वो इम्पॉर्टेंट मालूमात यहाँ से मिल सकती हैं। काफ़ी अच्छी जगह है। तो बहरहाल, ये एक लोकेशन थी, हमने कहा कि टैक्सिला की जो हमारी मुख्तलिफ वीडियोस चल रही हैं उसमें भी एक इजाफा हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में लाजमी याद रखें। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।